तो आज देखते हैं, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीड जर्मिनेशन जो है वो एपिजियल प्रकार के अंकुरण को बताया था कि एपिजियल अंकुरण किस प्रकार से होता है। सीड का एपी का मतलब है अब, और जियो का मतलब है ग्राउंड, जमीन से ऊपर। तो क्या होता है जमीन से ऊपर? जब भी कॉटिलीडंस होते हैं जमीन से ऊपर आ जाएं तो इस प्रकार के अंकुरण को कहा जाएगा एपिजियल प्रकार के अंकुरण। बीज पत्र यदि जमीन से ऊपर दिखाई देने लगते हैं तो इसको कहा जाता है एपिजियल प्रकार का अंकुरण। और होने का कारण क्या है उसका? उसमें हाइपोकोटाइल में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ज्यादा वृद्धि होने के कारण हाइपोकोटाइल क्या करता है? कॉटिलेडस को ऊपर जमीन से भेज देता है, धकेलता है, तो वो सॉइल से ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो कॉटिलेडस जब जमीन से ऊपर है तो इस प्रकार के अंकुरण कहा जाएगा एपिजियल प्रकार का अंकुरण। ज्यादातर पाया जाता है डाइकॉट प्लांट में, कुछ मोनोकॉट्स में भी है जैसे कि ऑनियन है, कुछ जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाते हैं जैसे कि पाइनस है। ये जो अंकुरण एपिजियल, तो पहले वाले वीडियो में देखो, अब हम देखते हैं हाइपोजियल। हाइपो मतलब है बिलो, जमीन से नीचे। यदि कोई चीज है तो क्या है जमीन से नीचे? इसमें क्या था जमीन से ऊपर? कॉटिलिडन्स। तो यहां भी जमीन से नीचे क्या हो जाएंगे? कॉटिलिडन्स। तो ये जो ज्यादातर ये जो हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण है, ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो है वो है मोनोकॉट प्लांट्स। मोस्ट कॉमन किसमें है? मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है, एक बीज पत्री पाद को। अब अंकुरण किस प्रकार से होता है? तो मोनोकॉट में क्या करते हैं कि जो बीज सीड का होता है तो सीड को ऐसे ऊपर डाल दिया जाता है। डाइकॉट सीड जो है जमीन में आप उगाएंगे तो थोड़ा जमीन के अंदर डाला जाता है, जबकि गेहूं आप देखेंगे जब बोते हैं तो ऊपर ही फेंक दिया जाता है, जमीन से ज्यादा गहराई जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ देखें तो ये मान लो सॉइल है, सॉइल लेयर है। अब यहाँ सीड में मोनोकॉट की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसमें स्कूटेलम है, ये इसका कॉलेप्टाइल कॉलेप्टाइल है, प्लूमूल है, और नीचे जो है वो है कॉलियोराइजा। नीचे वाला पार्ट जो है वो कॉलियोराइजा बनेगा और ये है कॉलियोटाइल, ये जो है कॉलियोराइजा। एक ही पाया जाएगा कॉटिलेडन, इसको कहा जाएगा स्कूटेलम। स्कूटेलम कहा जाता है। कॉलियोप्टाइल के बड़ा पार्ट है प्रारंभपुर चोल है, इसमें ये किसकी रक्षा करता है? यहाँ पर प्रारंभपुर होता है प्लूमूल, इससे क्या बनेगा? प्लूमूल। और यह जो है इससे बनेगा, ये जो कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा ढके हुए है ये है रेडिकल, मूलांकुर। तो मूलांकुर को ढके हुए पार्ट है वो कहेगा मूलांकुर चोल, कॉलियोराइजा। इसको प्रोटेक्टेड कवर है, ढके हुए रहता है, जब तक सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, ये जब तक रूट्स नहीं बनती है तब तक इसको कवर किया रहता है इस वाले पार्ट को। और प्लूमूल को कवर किया रहता है कॉलियोप्टाइल, ये इसका कॉटिलेडन नोड वाला पार्ट है, नोड यहाँ पर। अब जब सीड जर्मिनेशन होता है तब क्या होता है? एपिजियल में तो हाइपोकोटाइल बहुत अधिक वृद्धि होती है, तो ये जो है ये वाला पार्ट जो है कॉटिलेडन से ऊपर प्लूमूल से नीचे, ये कहलाएगा एपिकोटाइल। और कॉटिलेडन नोड से नीचे लेकिन रेडिकल से ऊपर, ये पार्ट्स कहलाएगा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल अर्थात कॉटिलेडन से नीचे लेकिन रेडिकल से ऊपर वाला पार्ट जो है हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, किससे नीचे है? कॉटिलेडन से नीचे है, इसको कहा जाएगा हाइपोकोटाइल। और यदि कॉटिलेडन ऊपर वाला पार्ट है लेकिन प्लूमूल से नीचे है, एपी, एपी मतलब ऊपर, अब किससे? कॉटिलेडन, कॉटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट। तो मोनोकॉट्स प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो है कॉटिलेडन्स तो वही रह जाता है और इसमें लंबाई में वृद्धि हो जाती है, एपिकोटाइल की लंबाई में वृद्धि होने लगती है धीरे धीरे। और साथ में नीचे रेडिकल या कॉलियोप्टाइजा में वृद्धि होने लगती है। एपिकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण ये जो प्लूमूल है, यहाँ प्लूमूल है, ये धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, लेकिन ये जो कॉटिलेडन्स है ये क्या रहते हैं? इससे यही रह जाते हैं, ये बाहर नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोकोटाइल में ग्रोथ है वो तो बहुत ही कम होती है, रेयर होती है मोनोकॉट्स में। तो हाइपोकोटाइल में वृद्धि नहीं होने के कारण से ये जो बीज पत्र है ये जमीन से ऊपर नहीं निकल पाता और एपिकोटाइल में वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है।
एपिकोटाइल में वृद्धि होने के कारण ये फ्लोमूल को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो वो की वही है, ये वही है और ये जो है ये बाहर निकल। तो यहां पर अपन देखते हैं तो किसमें वृद्धि ज्यादा हुई है, एपिकोटाइल में तो बहुत अधिक वृद्धि हुई है, एपिकोटाइल में तो वृद्धि होती है लेकिन हाइपोकोटाइल में वृद्धि नहीं होती है। और ये रूट्स का फॉर्मेशन, रेडिकल जो है वो रूट का फॉर्मेशन करने लगती है। हम जानते हैं कि ये जो है यहाँ पर शो करना अलग है लेकिन यहाँ जो मोनोकॉट पादप है उसमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती है, अर्थात ये जो है ये कोटिलेडस है, ये एपिकोटाइल वाला पार्ट है, ये वाला इसमें वृद्धि हो जाएगी, यहीं पर कौन सी रूट्स बन जाती है, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती है। तो हाइपोकोटाइल में वृद्धि बहुत ही कम होने के कारण ये जो कॉटिलेडंस है ये जमीन से ऊपर नहीं आ पाता है और क्या ऊपर आ जाएगा, फ्लोमूल ऊपर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का अंकुर जिसमें कि कॉटिलेडंस होते हैं वो जमीन से नीचे रहते हैं और हाइपोकोटाइल में वृद्धि बहुत ही कम होती है, इसके कारण से क्या होता है, हाइपोकोटाइल वृद्धि कम होने के कारण से ये कॉटिलेडंस है वो जमीन में रह जाते हैं, जमीन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रकार के अंकुरण को कहा जाएगा हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण, सही है। हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही, किसमें ज्यादा वृद्धि हो रही है, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल में वृद्धि होने का फ्लोमूल तो बाहर आ जाता है लेकिन जो कॉटिलेडंस है वो वही की वही रह जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है इसका मोनोकॉट, जैसे कि मेज मक्का है, वीट है, बार्ले, जो में कुछ डाइकॉट प्लांट्स में भी इस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट प्लांट की बात की जाए, ग्राउंडनट मूंगफली, ग्राउंडनट, ग्राम चना, मैंगो, हाँ इसमें भी इसी प्रकार का जर्मिनेशन हाइपोजियल अर्थात इनमें जो बीज पत्र होते हैं वो जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, जमीन से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हाइपोकोटाइल वृद्धि बहुत ही कम हो पाती है। और जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म में भी है, जिम्नोस्पर्म में साइकस, तो साइकस और पाइनस, पाइनस में जो है वो एपिजियल प्रकार का अंकुरण है और साइकस में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है जिम्नोस्पर्म के बाद साइकस की। और एपिजियल ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है और हाइपोजियल ज्यादातर कॉमन जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा सीड जर्मिनेशन दो प्रकार का है, एपिजियल प्रकार का, हाइपोजियल। एपी का मतलब अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर क्या चीज है, कॉटिलेडंस, इसके कारण से हाइपोकोटाइल बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण से जो कॉटिलेडंस है वो जमीन से ऊपर आ जाते हैं। दूसरा हाइपोजियल प्रकार का, हाइपो मतलब ब्लो, जमीन से नीचे क्या चीज है, कॉटिलेडंस जमीन से नीचे रह जाते हैं। क्या कारण है उसका, कि हाइपोकोटाइल में वृद्धि जो है वो बहुत ही कम हो पाती है, नहीं के बराबर हो जाती, नहीं के बराबर ही रहती है, बहुत छोटा रह जाता है हाइपोकोटाइल, जिसके कारण से कॉटिलेडंस है वो जमीन से ऊपर नहीं आ पाते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है, थैंक यू।